हेलो अविनाश। रिमझिम बोलो। अविनाश। रिमझिम रिमझिम क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अविनाश हम घर आए, हमें बहुत देर हो गई थी, यहाँ सब लोगों ने हम पर हमसे क्या क्या बातें की, हम उनको बता भी तो नहीं सकते थे कि हम आपसे मिलकर आए। हमने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। और तो और बाबूजी बंटवारा करना चाहते हैं, वैलिडेटर आने वाला है। अविनाश हम आप ही बताइए हम ये बंटवारा कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं अविनाश? क्या हुआ? मालिनी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रिमझिम का फोन आया था, कह रही थी कल घर में इवैल्यूएटर्स आ रहे हैं घर का बंटवारा करने के लिए। मन तो बहुत कर रहा है कि सीधा वहीं चला जाऊं, लेकिन रिमझिम ने कहा कि मेरे जाने से बात शायद बिगड़ जाए। अब मैं वहां जा नहीं सकता, रिमझिम वहां बेचारी बिल्कुल अकेली है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कल पता नहीं क्या होगा। कोर्ट से आए हैं, प्रॉपर्टी को वैल्यू करना है। बंटवारा करने से पहले सारी प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल इमूवेबल उसका ब्यौरा तो देना ही पड़ेगा ना। जयराम जी की भवानी शंकर जी। जयराम जी की चाचा साहब, आप चाहें तो अपना काम शुरू कर सकते हैं। भवानी शंकर जी क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, बस एक लिस्ट मिल जाती तो मैं इवैल्यूएशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता। चौधरी साहब आप बिना कुछ और सोचे अपना काम शुरू कर सकते हैं। देखिए भवानी शंकर जी, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप बेहतर जानते हैं कि किसको क्या देना है और घर में क्या चीज़ कहाँ रखी है, बस एक लिस्ट दिलवा दीजिए, समझ लीजिए कि मेरा काम हो गया। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि किसको क्या देना है, क्योंकि सब कुछ इन्हीं का तो है। अब आप जिद कर रहे हैं तो जब हम वैल्यूएशन के लिए तैयार हैं तो फिर आप फॉर्मेलिटीज करके निपटाना क्यों चाहते हैं? जी वो मैं तो भवानी शंकर जी की इज्जत और सम्मान को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कह रहा था। या फिर राकेश भैया के इंस्ट्रक्शन पे कह रहे हैं। बाहु, मैं चौधरी साहब को कई सालों से जानता हूँ, इसमें तुम ना ही बोलो तो बेहतर है। बाबू जी जब राकेश भैया प्रतीक पर विश्वास नहीं कर सकते हैं तो मैं विश्वास मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वैल्यूएशन जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। खान खान। जी बाबूजी। चौधरी साहब को अंदर ले जाओ। जी ओके सर। चलो वकील साहब। सुख शांति सदन का नफरत है मुझे इससे। सुख शांति सदन बकवास है सब, फालतू की बातें। और किसके लिए रो रही हो तुम? हाँ इन दीवारों के लिए। आज मेरी एक बात ठीक से समझ लो हीरावती,
ये जो दो हाथ और पैर भगवान ने हमें दिए हैं यही अपने हैं। कृपा है गोपाल जी कि हमारे हमारे शरीर अभी तक सलामत, वरना ये लोग हमारे हाथों में कटोरे पकड़ा के बाहर खड़ा कर देते चौराहे में। मत रो, मैं कह रहा हूं, नफरत हो गई है मुझे आंसुओं से। कौन है भैया आप लोग और यहाँ कहाँ घुसे आए रहे? वो महाराज जी घर के सारे सामान की लिस्ट बनाने आए हैं ये लोग। काहे की लिस्ट? बंटवारे के हिसाब किताब के लिए। बंटवारा? तुम्हारी भलाई यही में है, जैसे आए हो ऐसे लौट जाओ। एको सामान को हाथ लगाया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं हुई, समझे? महाराज जी समझने की कोशिश करो। अरे क्या समझने की कोशिश करो, कसम बाके बिहारी की, चलते बोले यहाँ से। चलो महाराज जी, मालिक ने इन्हें अंदर आने को कहा है। ये ड्राइवर, हमको तुम्हारी कौनो बात पर भरोसा नहीं है, तुम खड़े खड़े मुंह काटा करे। चलो चलो यहाँ से, चलो 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 निकलो। महाराज जी खान सही कह रहा है, आप लोग अंदर जाइए। जी शुक्रिया। बुआ जी बाकी आप भी? कोई फायदा नहीं महाराज जी, कोई फायदा नहीं, अब ये बंटवारा नहीं रुक सकता। आप और बुआ जी ऐसी बात करेंगे? महाराज जी कसम बाकी बिहारी की, जौन दिन बंटवारा हुई है हम मथुरा वापस चले गए। क्या बात करें महाराज जी आप, अब हमसे ना ही सहा जाते बुआ जी। सहा तो हमसे भी नहीं जाता, लेकिन वक्त के आगे किसकी चलती है। आप परेशान मत होइए। अरे कैसे ना परेशान हो, एक विशाल पेड़ को उसके जड़ से अलग कर दोगे तो कैसे पनपेगा? नहीं पनपेगा बुआ जी, नहीं पनपेगा। खन्ना अंकल, आप इस बात को इतना कैजुअली मत लीजिए। घर में बंटवारा होना लगभग तय हो चुका है और यहां तेजा के आदमी बार बार मुझे नीलामी की धमकी दे रहे हैं। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तेजा को फोन कर दूंगा, उसके आदमी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या है खन्ना साहब के वो बड़के भैया जो है ना, वो क्या नाम से खुद ही बंटवारे के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। अब ऐसे में टेंशन होना तो लाजमी है, काहे से कहा अगर बंटवारा हो गया तो राकेश बिटवा के हाथ में तो कुछ नहीं आएगा ना। दुर्गा तुम क्यों फालतू की बातें सोचते हो, जब तक ये खन्ना जिंदा है ये नीलामी नहीं होगी, चाहे मुझे अपना बंगला ही क्यों ना बेचना पड़े। थैंक्स अंकल, मैं जानता हूं आप मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये बंटवारे ने तो। हेलो, हाँ यशोदा बोलो। What? ठीक है मैं आ रहा हूं। अंकल घर में इवैल्यूएटर्स आ गए हैं, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। खन्ना साहब कुछ समझे? बंटवारा, बंटवारा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये सामान यहाँ कौन लाया है? जी वो बात यह है कि जिन जिन का हिस्सा इस प्रॉपर्टी में है उन सभी की एक ख्वाहिश है कि कीमती सामानों की लिस्ट उन सबके सामने बनाई जाए। ऐसा कौन कह रहा है? जाओ इरावती, शांत। चौधरी साहब बच्चे शायद ठीक कह रहे हैं। आप
भवानी शंकर जी, मैं कार्रवाई शुरू करूं? रुकना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर राकेश शर्मा अभी यहाँ नहीं। बाबूजी मैंने फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। रुकना पड़ेगा। चौधरी साहब, कल को उन्हें ये शिकायत ना हो कि उनकी गैर मौजूदगी में ये लिस्ट गलत बनाई है, इसलिए। अब आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। यस वकील साहब, आप लिखते जाइए। ये चूड़ियां और ये कमरबंद किसके हैं? बाबूजी ने दिया था। कंगन और ये मोतियों की मालाएं? ये मेरा है, मुझे माँ जी ने दिया था। ये बनारसी साड़ियां? मेरी मैके से आई थी। वकील साहब, इनकी सेपरेट लिस्ट तैयार कीजिएगा। और ये हार? ये हार आपका है? ये मुझे यशोदा भाभी ने दिया था और आप ये उन्हें वापस कर सकते हैं। मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेती। ये हार कावेरी का ही है। अगर ये ऐसा चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि क्या इसे मैं प्रॉपर्टी की लिस्ट में शामिल कर सकता हूँ? कर सकते हैं। ये हार किसका है? जवाब दीजिए, यह हार किसका है? आप इसे मैं प्रॉपर्टी में शामिल करूं या नहीं? लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा, ये सवाल मैं राकेश शर्मा जी से पूछ रहा हूं क्योंकि ये हार उनका है। आप इसे लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सामान की लिस्ट तैयार हो गई है, प्लीज़ आप इस पर साइन कर दीजिए और सारे फैमिली मेंबर्स के साइन ले लीजिए। ठहरिए। ये कार्रवाई नहीं हो सकती, ये रहा कोर्ट का स्टे ऑर्डर। किसने लिया स्टे ऑर्डर?
मैं पूछती हूँ किसने लिया स्टे ऑर्डर? हमने। थैंक यू मिसेस सिलाकी। ये कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, ये वैल्यूएशन बेमाने है, आप लोग जा सकते हैं। चलिए ओके। खान चाचा, महाराज जी, ये सारा सामान उठाइए और जिनका है उनके कमरों में रख दीजिए। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुमसे कहा था रंजन कि आज वैल्यूएशन के लिए कोर्ट से लोग आ रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तुम खुद को समझती क्या हो? क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ, किस घमंड में जी रही हो? मुझे शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खास मान जाने दो मुझे, तुम्हें तो इस घर की चिंता। हाँ, लेकिन आज मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद अगर तुमने मेरे या इस घर के किसी भी फैसले में दखलअंदाजी करने की कोशिश की तो तुम्हें मेरा बात छोड़ूंगा मैं। खामोश। अनाथालय में छोड़ूंगा। अगर तुम्हारा ये जुर्रत की तो हम कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी, हम कहीं नहीं जाएंगे। सुना आपने? इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और इस घर को टूटने भी नहीं देंगे। बस कर ली आखिर अपनी मनमानी पूरी? आखिर रुकवाई दिया ना बंटवारा तुमने? हमने तो वही किया भैया जो आप चाहते हैं। क्या मतलब? सच कहिए, क्या आप बंटवारा चाहते हैं? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहती हो रंजन? कहो ना, क्या कहना चाहती हो तुम? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम आप लोगों से पहले भी कह चुके हैं, जब तक अविनाश नहीं आएंगे बंटवारा नहीं होगा। और अगर अविनाश नहीं आया तो भाभी, अविनाश आएंगे और आप लोगों को अविनाश का इंतजार करना होगा, समझे?